हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जिस परिवार में जन्म लेते हैं, हमारे परिवार की चॉइस कौन करता है, हमारे माता पिता कौन होंगे, परिवार हमारा कैसा होगा, कौन सी आत्मा किस परिवार में जन्म लेगी, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं ईश्वर। उनके हाथों में होता है कि कौन सी आत्मा को किस परिवार में कब भेजा जाना है। तो जिस ईश्वर के हाथ में है ये सारी बातें, क्या वो अपने लिए भी अपने परिवार को चूज करते हैं, या ये सब भी किसी और के हाथ में होता है, या पहले से सब कुछ डिसाइडेड है, क्या है ये पूरा मामला, आज मैं अपना वीडियो इसी टॉपिक पर आपको देने जा रही हूँ। कल्कि अवतार, विष्णु भगवान के 10वें अवतार जब इस धरा पर आएंगे, उनका जो परिवार होगा वो कल्कि अवतार के अपने चॉइस का होगा, या उनको किसी और ने वो परिवार दिया है। याद कीजिए, सबसे पहला मनुष्य का अवतार जब विष्णु भगवान ने लिया था, वो था उनका 5वां अवतार यानी वामन अवतार, जो एक ब्राह्मण बौने के रूप में माता अदिति के गर्भ से उन्होंने लिया था। माता अदिति जो कि विष्णु भगवान की बहुत अधिक पूजा करती थी और अपने बेटे के इंद्र के स्वर्ग छीने जाने से बहुत दुखी थी, और उन्होंने विष्णु भगवान से गुहार लगाई थी कि हे भगवान, मैं आपकी बहुत पूजा करती हूँ, तो कृपया करके मेरे बेटे का दुख हर लीजिए और फिर से एक बार उन्हें स्वर्ग को, जो उनका राज्य है जो असुरों ने छीन लिया है, उन्हें दे दीजिए। कहते हैं विष्णु भगवान माता अदिति के भक्ति से इतने अधिक प्रसन्न थे कि उन्होंने सपने में आकर उनसे वादा किया कि उनके गर्भ से वो जन्म लेंगे, और इस प्रकार से हुआ था वामन अवतार का जन्म, यानी पहले मनुष्य के रूप में 5वें अवतार के रूप में विष्णु भगवान ने जन्म लिया था, और बाद में माता कौशल्या, उसके बाद माता देवकी, और अब सुमति कल्कि अवतार जिनके गर्भ से जन्म लेंगे। ये भी उनकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी, जिस प्रकार की हर युग में, चाहे वो कोई सा भी युग हो, उस युग में जब ईश्वर ने जन्म लिया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग, ये उनकी खुद की चॉइस रहती है कि किस परिवार में उन्हें जन्म लेना है और किस माँ के गर्भ से उन्हें इस पृथ्वी पर अवतरित होना है मनुष्य रूप में। ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस रहती है। इसके लिए वो सिर्फ अपना शौक पूरा नहीं करते हैं, बल्कि बहुत छानबीन के बाद, उस इंसान की भक्ति के देखने के बाद, उस परिवार के लोगों के संस्कार देखने के बाद चूज करते हैं कि हमें किस परिवार में जन्म लेना है। उसी प्रकार जिस प्रकार की कृष्ण भगवान ने, राम जी ने, वामन जी ने ये डिसाइड किया था कि उन्हें किस परिवार में जन्म लेना है, उसी प्रकार कल्कि अवतार ने भी माता सुमति को चुना है कि उन्हें भी उनके ही कोख से भले 12 महीने गर्भ में रहना पड़े, लेकिन उनके ही कोख से वो जन्म लेंगे। किस लिए? कारण सिर्फ सुमति ब्राह्मण परिवार की हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं, बल्कि वो भी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त होंगी, यानी भगवान विष्णु के साथ वो माता लक्ष्मी को भी पूजती होंगी, और भगवान विष्णु के भक्त में, भगवान विष्णु की भक्ति करते समय उनका जो संस्कार रहेगा वो पूरी तरह से दैवीय गुणों से भरपूर होगा। इसलिए इस परिवार को, यानी विष्णु यश और सुमति के परिवार को कल्कि अवतार ने अपने लिए चुना है, जो जहां पर वो 10वें अवतार के रूप में जन्म लेंगे। ये उनकी चॉइस बहुत पहले से चली आ रही है, क्योंकि ये 28वीं बार वो इस धरा पर आएंगे। तो परिवार उनका अपना चॉइस है कि वो किस परिवार में जन्म लेंगे, परिवार के संस्कार कैसे होते हैं पहले वो ये देख लेते हैं कि किसकी कोख से वो जन्म लेंगे, वो स्त्री कैसी है, क्योंकि भगवान
जिसकी कोख से जन्म लेंगे, साधारण स्त्री हो ही नहीं सकती। उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर तरफ से छानबीन करने के बाद, ठोकने बजाने के बाद, देखने के बाद, परखने के बाद, कल्कि भगवान ने अपना परिवार चूज किया है, अपने माता पिता को चूज किया है, और इसलिए वो उसी परिवार में जन्म लेंगे जिस परिवार को उन्होंने बहुत पहले ही सिलेक्शन कर लिया था, सेलेक्ट कर लिया था कि इसी परिवार में उनका जन्म होना है। माता कौशल्या को देख लीजिए, माता देवकी को देख लीजिए, माँ अदिति को उन्होंने वचन दिया था। तो जिसे भी वो वचन देते हैं पूरी तरह से निभाते हैं, और अपना परिवार, किस परिवार में उन्हें जन्म लेना है, अपने बर्थ का पूरा इतिहास वो खुद रचते हैं, और लोगों के सामने उसी परिवार के माध्यम से आना पसंद करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफियरेंस वो नहीं चाहते, ना ही किसी से वो राय मांगते हैं। ये उनकी खुद की सिलेक्शन, उनकी खुद की चॉइस होती है, वो किसी पर इसके लिए डिपेंड नहीं होते हैं। तो हमारा परिवार भी कैसा होता है, ये ईश्वर के हाथ में होता है। आपको माता पिता, भाई बहन कैसे मिलेंगे, या आप किस परिवार में जन्म लेंगे, कौन सी आत्मा का जन्म आपके परिवार में होगा, ये भी ईश्वर ही डिसाइड करते हैं। तो कल्कि अवतार भी जन्म लेंगे अपने परिवार को, जो उन्होंने चूज कर लिया है। बस अब हमें इंतजार है कि जन्म उनका हो चुका है, जल्द से जल्द वो हमारे सम्मुख प्रकट हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई।